वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजीवे में आपका स्वागत है। मेरा नाम विप्लव घोष। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने पूरा मूवी के लिए कुछ भी उन्होंने चार्ज या बोल सकते हैं आप फीस नहीं लिए। तो ऐसे हम 10 मूवीज़ के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पे है ब्लैक मूवी, जो 2005 में रिलीज हुई थी, जिसका लीड रोल में अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी थे। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद अमिताभ बच्चन ने इस मूवी में कुछ भी पैसा लेने के लिए इनकार किए थे और वो खुशी खुशी संजय लीला भंसाली का इस मूवी में साइन किए थे बिना कुछ भी पैसा लिए। तो हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है रोड टू लद्दाख। हालांकि ये मूवी ए सर्टिफिकेशन के वजह से काफ़ी कम सिनेमाघरों में आपको देखने को मिली। इसमें इरफान खान ने इस मूवी के लिए कोई भी पैसा नहीं लिए हैं। ये मूवी की शूटिंग लद्दाख में शूटिंग हुई है, जिसका पूरा शूटिंग 16 डेज में कंप्लीट किया गया है। हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पे है उड़ता पंजाब। मूवी 2016 में रिलीज हुई थी और ये 2016 की एक बड़ी हिट मूवी में से थी। मूवी के लीड रोल में शाहिद कपूर और आलिया भट्ट थे। हालांकि करीना कपूर और दलजीत सिंह भी इस मूवी में अच्छे किरदार में नजर आते हैं। मूवी की ओवर बजट के चलते शाहिद कपूर ने इस मूवी में 50% अपना फीस नहीं लिए थे। तो हमारे लिस्ट के चौथे नंबर पे है मूवी हरामखोर। ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी, जिसका लीड रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और श्वेता त्रिपाठी नज़र आते हैं। मूवी एक एवरेज मूवी थी उस साल की और ये मूवी के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सिर्फ 1 रुपया चार्ज किए थे प्रोड्यूसर से। तो हमारे लिस्ट में पांचवें नंबर पे है ओम शांति ओम। मूवी 2007 की एक सबसे बड़ी सुपरहिट मूवी थी। मूवी के लीड रोल में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण थे। हालांकि इस मूवी में श्रेयस तलपड़े, अर्जुन रामपाल और किरण खेर भी अच्छे किरदार में नज़र आते हैं। इस मूवी के लिए दीपिका पादुकोण ने कोई भी पैसे नहीं लिए हैं, फ्री में ये मूवी साइन किए थे। तो हमारे लिस्ट में छठवें नंबर पर है पाकीजा, जो 1972 में ये मूवी रिलीज हुई थी और इसमें लीड रोल में थे मीना कुमारी, राजकुमार और अशोक कुमार। मूवी उस साल की एक सुपरहिट मूवी में से थी। मीना कुमारी ने उस मूवी के लिए सिर्फ 1 रुपया ही चार्ज किए थे। तो हमारे लिस्ट में नंबर 7 पे है 2013 की एक सुपरहिट मूवी, जिसका नाम है भाग मिल्खा भाग। इस मूवी के लीड रोल में फरहान अख्तर और सोनम कपूर दोनों थे और ये मूवी उस साल की बहुत बड़ी सुपरहिट मूवी में से एक थी। इस मूवी के लिए दोनों एक्टर ने सिर्फ 11 रुपीज़ का ही चार्ज किए थे। तो हमारे लिस्ट में 8वें नंबर पे है मूवी हेराम। ये मूवी 2000 में रिलीज हुई थी। मूवी के लीड रोल में कमल हसन, रानी मुखर्जी और शाहरुख खान थे। मूवी उस साल की एक सबसे बड़ी सुपरहिट मूवी में से थी। इस मूवी के लिए शाहरुख खान ने 1 भी पैसा नहीं लिए थे। तो हमारे लिस्ट में 9वें नंबर पे है हैदर। मूवी का लीड रोल में थे शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर, केके मेनन और तब्बू। मूवी उस साल की एक सबसे बड़ी सुपरहिट मूवी में से थी। इस मूवी के लिए विशाल भारद्वाज डायरेक्टर और शाहिद कपूर ने कुछ भी पैसे नहीं लिए थे। हमारे लिस्ट के 10वें नंबर पे है मूवी पीके। मूवी 2014 में रिलीज हुई थी और ये मूवी 2014 की एक ब्लॉकबस्टर मूवी में से एक थी। मूवी में लीड रोल में आमिर खान, सुशांत सिंह राजपूत और अनुष्का शर्मा नज़र आते हैं। इस मूवी के लिए आमिर खान ने कोई भी फीस चार्ज नहीं किए हैं, हालांकि शेयर और प्रॉफिट उन्होंने इसके बदले में लिए हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ, नया अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।